हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ लाल चने, या बहुत लोग इसे काला चना भी बोलते हैं, इसकी सब्जी, लेकिन बहुत ही अलग तरीके से और बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत आसान भी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लाल चना बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली चॉप कर लिया है, 1 से 2 हरी मिर्च को बारीक काट लिया है, कुछ हमने साबुत गरम मसाले लिए हैं, अदरक लहसुन को हमने दरदरा कूट कर लिया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक कुकर लिया है और इसमें सबसे पहले हम अपने चने को डाल देंगे और चना को आपको जो है रात भर भिगो कर रख देना है। तो देखिए, लाल चने को हमने कुकर में ऐड कर दिया है। अब हम इसमें जो हमने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को रफली काट कर रखा था वो ऐड कर देंगे और ये सब्जी बहुत आसानी से बन जाती है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। इसमें 1 से 2 तेज़पात डाल देंगे हम, तेज़पत्ता। यहाँ पर हमने 1 से 2 इलायची डाली है, छोटी वाली और बड़ी वाली दोनों, हल्का सा दालचीनी। यहाँ पर हमने इसमें प्याज और साबुत गरम मसाला, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, अदरक लहसुन को दरदरा कूट कर रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। 1 चम्मच के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट आप डाल दें या दरदरा कूट कर डाल दें। यहाँ पर 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम, ये कश्मीरी लाल मिर्च है, तीखापन इससे नहीं आएगा, बस कलर के लिए है। और 1/2 चम्मच के करीब इसमें हम हल्दी डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे हल्का सा स्वाद के अनुसार नमक, बस छोले गलाने भर ही नमक डालना है हमें। और अब इसमें मम्मी डाल रही हैं 1 मीडियम साइज़ का टमाटर रफली काट कर, और बहुत ही अच्छा बनने वाला है सब्जी ये, आप देखते जाइए वीडियो को पूरा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक ज़रूर करें। और अब इसमें मम्मी डालेंगे 1 कप के करीब पानी डालते हैं। पानी आपको इतना डालना है कि चना आपका अच्छे से भीग जाए, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है। और इसमें हम 1 छोटा चम्मच सरसों का तेल डाल देंगे। तो अच्छे से मम्मी ने इसे मिक्स कर दिया है और 3 से 4 सीटी हम लगा लेंगे। अगर आपका तब भी 3 से 4 सीटी में भी छोला अगर अच्छे से नहीं गलता है हमारा लाल चना, तो आप 1 से 2 सीटी और लगा सकते हैं। तो चलिए इसे गैस पर रख देते हैं। तो जब तक हमारे कुकर का प्रेशर निकल रहा है, तो चलिए इसके लिए हम एक तड़का रेडी कर लेते हैं। यहाँ एक कढ़ाई में मैंने 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। अच्छे से तेल को गर्म कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ तेल हमारा बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, हल्का सा लहसुन और अदरक को बारीक काट कर रखा है, और 1/2 मैंने हरी मिर्च लिया है क्योंकि हरी मिर्च हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। तो ये हमने इसमें हरी मिर्च, अदरक और लहसुन हल्का सा बारीक कटा हुआ ऐड कर दिया है। और अब हमें इसमें ऐड करना है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिन्हें मैंने बारीक काट कर रखा था। अब प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से पका लेना है। प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो रहा है, यहाँ कुकर की भी प्रेशर निकल चुकी है। तो चलिए अपने चने को चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से गला है या नहीं। तो अच्छे से मैंने चम्मच से इसे घुमाते हुए मिक्स कर लिया है, देखिए, और सारा चीज़ आपस में अच्छे से मिल चुका है। इसमें पता भी नहीं चल रहा है कि हमने प्याज डाला था, टमाटर डाला था और बाकी की चीज़ डाली थी। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब अपने प्याज की तरफ चलते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ हमारा प्याज भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मसाले में मैंने लिया है 2 चम्मच भरकर धनिया का पाउडर, और बहुत हल्का हल्का सा मैंने हल्दी और लाल मिर्च लिया है क्योंकि हमने हल्दी और लाल मिर्च पहले भी चने को पकाते समय डाला था। तो इसमें ऐड कर देते हैं अपने प्याज में मसाले को। गैस की फ्लेम को मैंने बिल्कुल लो रखा है ताकि हमारे मसाले नहीं जले। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे 1 मीडियम साइज का टमाटर का मैंने प्यूरे बनाया था, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। तो मैंने सिर्फ 1 ही टमाटर लिया है क्योंकि 1 टमाटर हमने चने में भी डालकर पकाया था। यहाँ मैंने टमाटर डाल दिया है, और टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, ताकि हमारा जो टमाटर है और मसाला है बहुत अच्छे से गल जाए। और आपको ध्यान देना है कि नमक आपने
चले को उबालते समय भी डाला था तो उसके हिसाब से यहाँ नमक आप डालिए। और अब अच्छे से मिक्स करके मसालों को बहुत अच्छे से पका लेना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, जो हमने सूखे मसाले डाले थे और टमाटर का प्यूरी डाला था, बहुत अच्छे से मसाला हमारा पक चुका है। देखिए ऑयल भी बिल्कुल सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच के करीब गरम मसाला। गरम मसाला मैं अभी ही डाल रही हूँ और हल्का सा उसे भी पका लूँगी। बहुत बार लास्ट में डालने से गरम मसाला का कच्चा फ्लेवर आ जाता है, तो इसलिए मैं अभी डाल के पका लेती हूँ। गरम मसाला को भी 1 से 2 मिनट पका लेते हैं अच्छे से। मैंने गरम मसाले को भी बहुत अच्छे से पका लिया है, आप देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। और अब हम इसमें अपना चना ऐड कर देंगे। चना मैंने ऐड कर दिया है और बहुत अच्छे से मिला दिया है। और अब हमें इसे भी पका लेना है। और अगर इस टाइम पे अगर आपको इसे सूखा रखना है तो आप बिना पानी डाले इसे पका लीजिए। और अगर आपको पानी डालना है मेरी तरह, तो इस टाइम पर आप पानी डालकर और चने को ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पर 7 से 10 मिनट के करीब पका लीजिए। तो चलिए मैं इसमें पानी भी डालने वाली हूँ, तो चलिए इसमें पानी डाल देते हैं। तो यहाँ मैंने इसमें पानी भी ऐड कर दिया है और अब हम इसे ढककर 7 से 10 मिनट के करीब लो फ्लेम पर बिल्कुल पका लेना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 5 से 7 मिनट पकाने के बाद हमारी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। मैं आपको चला कर भी दिखाती हूँ। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हमने आपके लिए एक थाली भी सजाई है, बहुत सिंपल बेसिक सी। तो ये हमारे चने की सब्जी, दाल, आलू का भुजिया, आम पुदीने की चटनी, यहाँ रोटी है, सलाद है, चावल है। आप सभी को कैसी लगी कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा। आपका कमेंट हमें बहुत ही मोटिवेट करता है। तो प्लीज़ आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो फिर आपसे मिलेंगे किसी अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप ये चने की सब्जी किसी भी चीज़ के साथ खाएंगे तो आपको बहुत अच्छी लगेगी। आप इसे रोटी, पराठे, पूरी, कचौरी, खास करके ये सत्तू की जो लिट्टी होती है या पूरी होती है या फिर पराठे होते हैं, उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है। तो किसी दिन मैं उसकी भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी।